हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैवरिक गुरु। दोस्तों, कल मैंने मैवरिक ब्लॉग में एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग एमसीसी राउंड वन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आज आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ सकता है और कितने कैंडिडेट्स को मिल सकती है सीटें कैटेगरी वाइज एमबीबीएस की गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स तक जा सकता है, कैटेगरी वाइज जनरल एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप, सबके बारे में बात करेंगे। एसआईसीज का क्या कट ऑफ जा सकता है, सबके बारे में डिटेल में बात होगी। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू किया जाए वीडियो। मेरे पास जो डेटा है दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपको मैवरिक ब्लॉग में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो 590 से 595 राउंड वन में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। मींस अगर आपकी जो ऑल इंडिया कोटा रैंक वो 9500 के अप्रॉक्स है, मींस 9500 के अप्रॉक्स है, तो जनरल में आपको सीटें मिल सकती हैं, चाहे वो फिर असम में ही क्यों ना मिले, क्योंकि असम के जो गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कम रैंक पे जाते हैं, तो लास्ट में उनकी फीलिंग होती है, तो आपको मिल सकते हैं। और जहाँ तक एससी की बात करूँ, तो एससी में अगर आपकी रैंक अराउंड ऑल इंडिया कोटा 55,000 मींस 55,000 के करीब है, तो आप उम्मीद करिए कि आपको सीटें मिल सकती हैं। मींस आपका स्कोर अगर 485 टू 490 के बीच में लाई करता है, दैट मींस कि राउंड वन में आपको सीटें एक्सपेक्टेड हैं और मिल सकती हैं। इसी तरह से एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बात करूँ, तो 460 टू 465 मींस अगर आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक 73,000 टू 75,000 करीब है, तो इस बार आपको सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार सीटें बढ़ी हैं ऑल इंडिया कोटा में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कुछ सीटें हर स्टेट में इंक्रीज़ हुई हैं, तो आपको 73,000 के करीब 460 टू 465 में एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिल सकती है। फिज़िकल हैंडीकैप की बात करूँ, तो फिज़िकल हैंडीकैप में अगर आपने पासिंग मार्क्स भी किए हुए हैं, मीन से अराउंड 4,50,000 के करीब आपकी रैंक है, तो ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी राउंड वन में आपको सीट मिल सकती है। आप में से जो कैंडिडेट्स को सीटें इस बार नहीं मिल रही हैं, वो राउंड टू का वेट करें। राउंड टू में इससे भी कम जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स रेजिग्नेशन देंगे, क्योंकि स्टेट कोटा में भी उन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो राउंड वन में अप्रॉक्स 80-90% सीटें खाली हो जाती हैं। जहाँ तक डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करो, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में 220-230 में भी सीटें आपको मिल सकती हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में बहुत ही आसान होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो इस तरह का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। आज अगर आपको राउंड वन में सीटें नहीं मिलती और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के एक या दो मार्क्स या पाँच मार्क्स आपके कम है, तो आप उम्मीद करिए कि राउंड टू में, क्योंकि सीटें वैकेंट होगी और 80-90%, हर बार ऐसा होता है कि 80-90% सीटें वैकेंट हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स यही चाहते हैं कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले, चाहे वो एमसीसी मिले या फिर स्टेट कोटा मिले। तो सारे कैंडिडेट्स लगभग रेजिग्नेशन दे देते हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूट को छोड़ के जो टॉप वन है, और बाकी सारे कैंडिडेट्स रेजिग्नेशन दे के अपनी चॉइस को अपग्रेड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे स्कोर में मिल जाएंगी अच्छी सीटें, अगर आपका स्कोर राउंड वन में नहीं आता है तो। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप में से जो कैंडिडेट्स राउंड वन का वेट कर रहे हैं, वो आज ले सकते हैं अपना रिजल्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैवरिक गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।